लोग सब सौते तकदीर के, ये सब सौते तकदीर के, इस महे फकीर आली, महे फकीर आली, सब सौते तकदीर के, सब सौते तकदीर के, महे फकीर आली, महे फकीर ठंडा कितना गर्म चले कोई सत मजला को रहे तले, कितना ठंडा कितना गर्म चले सत मजला को रहे तले, वे इतारे पड़े से किसे ने, वे इतारे पड़े से किसे ने, माया मेरा प्यारी माय भक्ति हो, सब लोगे तकदीर के, सब लोगे तकदीर के, पहली बात के माध्यम से बता दिया कि कितने ठंडा कितने गर्म जाए, कितने ठंडा कितने गर्म जाए, कोई सत मंजिला कोई रह करे, क्योंकि किसी किसी इंसान के पास तो इतनी जो धनमाया हो जाती है, इतना बड़ा मकान हो जाता है कि उसे यही नहीं पता रहता कि तेरे घर में जो कितने कमरे बने हुए हैं, और किसी किसी इंसान का जो पूरा जीवन वो एक झोपड़ी में बीत जाता है, उसे कभी पक्के मकान के दर्शन नहीं होते। आइए दूसरी बात के माध्यम से ये बता दिया भला, क्योंकि ना कभी अच्छा पहना, ना कभी अच्छा खाया, ना तो उस पैसे का भोग किया। और साथियों बताते हैं कि जो हरी भजन करते नहीं और करे दान में ढील,
जो हरी भजन करते नहीं और करे दान में ढील, उनके धन को खा जाते हैं वैश्या वैद्य वकील। इंसान को हमेशा दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। भजन में दो कली आपको भी रखिए, आपकी समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके बता दे, जोरदार ताली। आइए तीसरी बात में फिर बता दिया, किसी शादी ब्याह के योग नहीं बीत जाता है। हाँ, तो कुंडली में एक भी स्त्री का योग नहीं बनता। और किसी किसी इंसान का जो ऐसा सूत बैठता है कि दो दो तीन तीन शादियां हो जाती है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। आइए चौथी बात के माध्यम से भजन में बताया, कौन सा काम इंसान को जरूर करना पड़ेगा जब उसकी मुक्ति हो सकती है, तभी जो बात वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर हम फसल में पानी नहीं देंगे तो फसल खराब हो जाती है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छा संस्कार नहीं देंगे, तो हमारी नस्ल भी खराब हो सकती है। आइए चौथी बात में ये बता दिया, सब सोते रखती है।